वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सब लोग का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। मैं टारगेट रेलवे एसएससी एग्जाम का मैथ और रीजनिंग का सीरीज लेके आया हूँ। इसका रेगुलर बेसिस पे चल रहा है और मैथ का भी मैं अपलोड करता हूँ और रीजनिंग का भी साथ में दोनों करता हूँ। और इससे पहले मैं 12 लेक्चर रीजनिंग का अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जाके देखें। और आज रीजनिंग का क्लास नंबर 13 है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि पीडीएफ का लिंक और नोटिफिकेशन, क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको अब तक पहुंचे। और मैं इस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो डी से एफ कैसे बन रहा है? डी से एफ प्लस 2, उसी तरह ए से सी बी प्लस 2, आर से टी बी प्लस 2, आई से 2 प्लस 2 के, और एन से प्लस 2 पी, और जी से प्लस 2 आई। तो इस तरह बी से भी प्लस 2 सबको होना चाहिए। तो बी सी डी आर एस टी आई जे के, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है डी टी के। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑप्शन पहले मिल जा रहा है तो वहीं पर आप उसको टिक करके आगे निकल सकते हैं, आपका टाइम सेव होगा। फिर भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। जी एच आई एच आई जे और टी यू बी, यानी कि ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको जहां पर आंसर मिल जाता है वहीं पर आप क्वेश्चन को आंसर को टिक करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को चले जाएं, आपका टाइम सेव होगा, ताकि आगे आपको क्वेश्चन ज्यादा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 648 कैसे आया? तो 6 इंटू 8, ठीक है, तो 6 में प्लस 2 कर दिए, उसी तरह तब 48 हो गया। उसी तरह देखिए कि 8 जो है, 8 में प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, 8 हुआ, फिर 8 में प्लस 2 करेंगे तो इंटू 10, ठीक है, दैट इज 80। वही चीज लगा के 6 है तो 6 इंटू 6 में प्लस 2 किए तो 8, फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो 48 आ गया। उसी तरह 8 है तो 8 को मल्टीप्लाई करना, 8 प्लस 2 10, तो 80। ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। रिजू रिबू का परिचय अपने पिता की पत्नी एकमात्र भाई से कराता है। मैं रिजू जो है, रिजू, ठीक है, रिजू जो है रिजू रिजू रिबू का परिचय अपने पिता, मैंने इसके पिता के पत्नी, रिजू के पिता के पत्नी, ठीक है, मैंने इसका बाप इसकी माँ हो गया, ठीक है, पत्नी के एकमात्र भाई, मैंने इसका भाई, इसका ब्रदर होगा, इसका ब्रदर का पुत्र के रूप में परिचय कराता है। मैंने देखिए रिजू का माँ का इसकी माँ होगा, इसका मामा होगा, रिजू का कौन होगा, मामा होगा, रिजू का जो इसका भाई होगा क्या होगा, मामा होगा, ठीक है, तो मामा का बेटा हो गया, ये क्यों हो गया, मामा का बेटा, ठीक है, तो मामा का बेटा हो गया, ठीक है, तो इसका क्या लगेगा, मेरा भाई कज़न लगेगा, तो इसका क्या लगेगा, कज़न लगेगा, मेरा भाई लगेगा, ठीक है, तो रिजू रिबू जो है, रिजू का कौन लगेगा, मेरा भाई लगेगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओ ए एस सी एन बी आर लोकेटेड इन रो, ठीक है, ओ इज टू राइट ऑफ, ओ जो है ए के राइट में है, तो ए को मान लीजिए इस तरह इधर करके मुंह करके बैठा है, तो ए जो है, ए ओ इज राइट ऑफ ए, ओ के राइट में, और टू लेफ्ट ऑफ एस, यानी कि एस के लेफ्ट में, ठीक है, एंड बी इज टू राइट ऑफ एस, एंड ए इज टू राइट ऑफ सी, ए जो है सी के राइट में, ठीक है, तो ये पूरा अरेंजमेंट बन गया। अब पूछा क्या, देखिए कि विच हाउस इज लोकेटेड इन मिडिल, मैंने बीच में कौन सा मकान बीच में स्थित है, तो ऑप्शन ओ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कोडिंग डिकोडिंग का देखिए, दिल्ली को लिखते हैं इतना, कोलकाता को इतना लिखते हैं, तो हाउ इज कैलिकट, तो सिंपली क्या करना है इसमें,
सी का क्या है, सी का क्या है, सी का कोलकाता में देखिए 8 है, ए क्या है, ए 2 है, 82। अब आगे सॉल्व भी नहीं करना, 82 ऑप्शन आ गया। अगर ऑप्शन में देखिएगा तो 82 ऑप्शन डी में है, तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उसको टिक कीजिए और निकल जाइए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, एल एल मतलब क्या, 3 नंबर में आ रहा है, तो 5, ठीक है। उसी तरह देखिएगा तो आई, आई कितने नंबर में आ रहा है, तो आई देखिएगा तो 1 पे आ रहा है, ठीक है। सी 8 पे आ रहा है, और यू कितना, 9 पे आ रहा है, और टी जो है 6 में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मीना इज ओल्डर देन रोमा, मीना जो है रोमा से बड़ी है, ठीक है, मीना जो है रोमा से बड़ी है, और रश्मि इज ओल्डर देन मीना, रश्मि इज ओल्डर देन मीना, रश्मि जो है मीना से बड़ी है, और रोमा इज ओल्डर देन रश्मि। तो इफ टू स्टेटमेंट आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट, यदि पहले दो कथन सत्य है तो तीसरा कथन क्या होगा। देखिए पहला दो कथन तो सही है, क्योंकि रश्मि इज ओल्डर देन मीना, ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन थर्ड सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी कि पहला दो सही है तो तीसरा गलत होगा, तो फॉल्स, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है, ऑल बिजनेस मैन आर ब्रेव, जितना भी बिजनेस मैन है सब ब्रेव, ऑल बिजनेस मैन आर ब्रेव एंड ऑल गर्ल्स आर बिजनेस मैन, तो जितना भी गर्ल्स है वो क्या है, बिजनेसमैन है, ये तो आपका स्टेटमेंट ड्रॉ हो गया पेन डायग्राम में। अब ऑल गर्ल्स आर ब्रेव सही है, क्योंकि सभी गर्ल्स तो ब्रेव हो सकते हैं ना, क्योंकि ब्रेव के अंदर में गर्ल्स आ रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो राइट है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 देखिए, ये कंक्लूजन 2 देखिए, सम बिजनेस मैन आर गर्ल, देखिए सम बिजनेस मैन आर गर्ल्स हो गया, जब सभी गर्ल्स बिजनेसमैन है तो कुछ बिजनेसमैन जो होगा वो तो गर्ल होगा ही, तो ऑप्शन कंक्लूजन 2 भी आपका राइट है। तो आपने देखा कि कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ फॉलो, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंटिंग टू ओमेन निर्मल सेड, सी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ ग्रैंड फादर ओनली चाइल्ड, ठीक है, तो पॉइंटिंग टू ओमेन, ठीक है, तो ओमेन को पॉइंट करके बोलता है कि सी इज डॉटर, सी इज डॉटर ऑफ माय वाइफ ग्रैंड फादर ओनली चाइल्ड, मतलब एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा कि वो मेरी पत्नी, मतलब निर्मल की कौन है, पत्नी है, ठीक है, तो वो मेरी पत्नी के दादा का एकमात्र संतान की पुत्री है, मतलब वो खुद कौन, ओमेन, ठीक है, दादा की एकमात्र संतान की पुत्री कौन है, उसकी वाइफ है, तो इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है, तो उसकी पत्नी लगेगी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना, वेन डायग्राम क्वेश्चन है, पूछा है कि द नंबर ऑफ दैट रिप्रेजेंट हार्ड वर्किंग, देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है कि सर्कल जो है ना, सर्कल इंट्रीजन को शो करता है, ठीक है, और स्क्वायर जो है हार्ड वर्किंग को शो करता है, ठीक है, और ट्रायंगल जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट को शो करता है, ठीक है, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट लॉयल एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर दैट रिप्रेजेंट हार्ड वर्किंग, मैंने हार्ड वर्किंग होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, बट वर नाइदर इंटेलिजेंट भी नहीं होना चाहिए ना लॉयल एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है, तो दो चीज़ होना चाहिए, यानी कि ट्राइंगल और स्क्वायर का जो कॉमन पोजिशन, कॉमन इंटरसेक्शन आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो टेन जो है दोनों का इंट कॉमन है, तो ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो स्टडी जो है STUDYING RUTEXJMH, देखिए इसमें क्या हो रहा है,
एस से आर गया मैंने माइनस वन, टी से गया मैंने प्लस वन, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। तो सेम चीज अदरवाइज में पहले क्या करना, माइनस करना है। ओ कब आया, एन आएगा, ओ के लिए क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। टी प्लस वन यू, ठीक है। एच में माइनस मतलब जी एच, फिर ई एफ, ठीक है। आर मतलब क्यू, डब्ल्यू में प्लस वन किए तो डब्ल्यू एक्स, आई में माइनस मतलब एच, एस में प्लस टी, और ई में माइनस डी, ठीक है। तो एन यू जी एफ, एन यू जी एफ क्यू एक्स एच डी, मतलब ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको ध्यान देना है कि पहला जो स्टडिंग है वो इस कोड से कैसे रिलेट कर रहा है, जिस तरह रिलेट कर रहा है उसी को अदरवाइज में रिलेशन लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। आपको फिगर को देखना और फिगर के नीचे जो नंबर दिया उसको आपको आइडेंटिफाई करना। तो जैसे क्या है, ई वाला फिगर इसके साथ है, क्या होगा 7, ठीक है। इस वाला फिगर कितना 8, प्लस कितना पे 2 पे, इनटू कितना पे 4, एरो कितना पे 6, और हाफ कट जो है वो कितना में 0, यानी कि 7 8 2 4 6 0। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। तीसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले और तीसरे अंक का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे बड़ा पहले कौन सा है, देखो ये वाला एक नंबर में सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन सा है 756, उससे छोटा कौन सा है तीसरा नंबर, तो थर्ड लार्जेस्ट क्या है 665 615। तो क्या बोला कि सबसे बड़ी संख्या, तीसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले और तीसरे नंबर, पहली और तीसरी मतलब 435 यानी कि 30। ऑप्शन ए बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि आज भी मैं 12 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, जो सभी तरह के क्वेश्चन आपको मिले होंगे, और इससे आप कंसेप्ट को सीखें और प्रैक्टिस करें। और इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि वहाँ पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन और पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहले से सब्सक्राइब नहीं किए अगर तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।